बदमाश आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, बदमाशों की अब शामत आई है। अपराधी खुद को कितना भी शातिर समझे, लेकिन एक ना एक दिन खाकी के रखवाले उसे उसकी सही जगह पहुंचा ही देते हैं, यानी सलाखों के पीछे। यही हाल है नोएडा में बदमाशों का, जिन्हें पुलिस चुन चुन कर अपने जाल में फंसा रही है। नोएडा में जारी है पुलिस का एक्शन। बीटा टू इलाके में बदमाशों से मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कमिश्नरी प्रणाली लागू होते ही पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ वार कर रही है। एक के बाद एक अपराधियों की शामत आई हुई है। बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये शातिर सड़क पर गोल घेरे में पड़ी ये गोली गवाह है यहाँ हुई उस मुठभेड़ की, जिसमें शातिर बदमाश अर्जुन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ा कर चलता ये शातिर वही अर्जुन है, जिसने 26 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला ये शातिर अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पुलिस की गोली का शिकार हुआ शातिर। घायल बदमाश अर्जुन को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 जनवरी को इस शातिर ने AWHO सोसाइटी के पास से कर्नल अतुल प्रताप सिंह को हथियारों के दम पर लूटा था। अर्जुन ने लूटी थी कर्नल की गाड़ी। बीटा टू क्षेत्र में B3 इलाके से रिटायर्ड कर्नल से बदमाशों ने हथियार के बल पे स्कॉर्पियो छीन लिया था। आज जब पुलिस पार्टी गश्त में थी तो उस समय संदिग्ध स्कॉर्पियो दिखी, इसको रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है। उसने अपना नाम अर्जुन बताया। उसके दो साथी भागने में सफल हुए हैं। कॉम्बिंग की जा रही है। गाड़ी जो बरामद हुई है उसको जब चेसिस इंजन नंबर से मिलान कराया गया तो वो लूटी हुई वही कार है। असलहा भी बरामद हुआ है। बीटा टू थाना क्षेत्र में ATS चौराहे पे मुठभेड़ हुई है। थाना बीटा टू के बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये शातिर कर्नल की गाड़ी भी लूटकर फरार हो गया था, जिसे 29 जनवरी को ATS गोल चक्कर के पास से पुलिस ने घेर लिया। अर्जुन को लूटी हुई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। ग्रेटर नोएडा की इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस को तमंचा दिखाने वाले ये शातिर अब अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते। गुनाहों की दुनिया में कदम रखने का अंजाम क्या होता है, शायद इसका इनको अंदाजा हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में ट्रक लुटेरों से पुलिस और स्टार 2 की टीम की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें 4 बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ाते ये शातिर ट्रक लूट गिरोह के सदस्य हैं। मंगलवार को इकोटेक 3 पुलिस और स्टार 2 टीम को खबर मिली थी इन लुटेरों की, जिसके बाद पुलिस ने पूरा जाल बिछाया। पुलिस ने जब इन बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने तमंचों से पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली सिपाही को भी लगी। वहीं जवाबी फायरिंग में भागते समय 4 बदमाश घायल हुए। बदमाशों की पहचान सेंकी, रिंकू, रोहित और सोनू के रूप में हुई है। पकड़े गए बदमाशों से 2 लूट के ट्रक, तमंचा और कारतूस के साथ 1 बीट कार भी बरामद हुई है। ये लोग माल से भरे ट्रकों को ओवरटेक करके लूट लिया करते थे और ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर फेंक जाते थे और फरार हो जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।